ज वी हैर सी रिजन एग्जाम्पल्स ओके सो हमने जो अब तक टॉपिक्स किए हैं चैप्टर वन और चैप्टर टू से उसके एग्जाम्पल्स अब हम करने वाले हैं सो स्टार्टिंग सेट थियरी एंड इट्स बेजिक हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है फंक्शन दिया हुआ है आर प्लस से लेकर आर तक एफ ऑफ एक्स इजिक्वल्स टू एक्सक्वायर तो हमें चेक करना है कि वैदर दिस फंक्शन गिवन टू फंक्शंस आर वन टू वन एंड और ऑन टू वो हैं कि नहीं वो हमें चेक करना है ठीक है सो स्टार्टिंग फ्रॉम फंक्शन वन एफ डिनोटिंग एफ वन एज अ वो स्टार्टिंग फंक्शन जो कि क्या है आर uh, प्लस से लेके आर तक जा रहा है सो so उसका डोमेन uh, क्या है आर प्लस है हम वैल्यूज़ आर प्लस में से लेंगे और उसका को डोमेन यानी कि उसकी जो इमेजेस की वैल्यूज आएंगी वो कहाँ पर जाएंगी आर में जाएंगी और फंक्शन हमारा क्या है फंक्शन दोनों सेम है एक्स स्क्वायर ओके okay, तो हमें चेक करना है कि वन 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 टू वन और वन टू है कि नहीं तो वन टू वन को हम इंजेक्टिव इंजेक्टिवे कहते हैं उसका डायग्राम मैंने सैम्पल यहाँ पे बनाया हुआ है बी कांट हैव मैनी ए यानी बी के पास मोर देन वन एज नहीं हो सकते यानी दो इमेजेस के लिए अगर हमें कोई सेम वैल्यू बी में मिल रही है तो उसका मतलब है वो वन टू वन फंक्शन नहीं है तो यहाँ पर चेक करेंगे अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कि एफ ऑफ माइनस टू एफ ऑफ माइनस टू का स्क्वायर क्या होगा माइनस टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एफ ऑफ टू ओके बोथ की वैल्यू क्या हो रही है फोर हो रही है पर माइनस टू इज़ नॉट अलाउड वाई हम माइनस क्यों टू क्यों नहीं ले सकते क्योंकि हमारा डोमेन है वो आर प्लस है इसीलिए हम माइनस टू नहीं ले सकते हैं तो हमारा सिर्फ सिंगुलर फंक्शन क्या हुआ एफ ऑफ टू हुआ तो कोई भी माइनस और प्लस uh, का स्क्वायर होता है वो सिमिलर वैल्यू मिलती है हमें पता है पर हमारा जो डोमेन है वो आर प्लस है इसीलिए ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा वन टू वन फंक्शन हो जाएगा क्योंकि एक भी वैल्यू हमें ऐसी नहीं मिलेगी कि जो हम रिपीट करके सेम इमेज ला सके ठीक है सो दिस इज अ वन टू वन फंक्शन येस और सिमिलरली हमें अगर ऑन टू चेक करना है तो ऑन टू कैसे चेक करेंगे एवरी बी हैज सम ए आई होप दिस इज विजिबल या एवरी बी हैज सम ए यानी कि बी की हर एक वैल्यू के लिए ए रिपीट हो सकता है बट ऐसा नहीं हो सकता कि बी की कोई भी वैल्यू के लिए हमें ए नहीं मिलेगा ठीक है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसकी इमेज क्रिएट कर लेंगे यानी कि लेट से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो दै फोर वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा अंडर रूट ऑफ़ वाई मिलेगा यानी कि x इज इक्वल्स टू अंडर रूट अंडर रूट ऑफ वाई है तो अगर हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है तो एवरी बी हैज़ सम ए जैसे कि यहाँ पे कहा गया है हमारे फंक्शन में इसका मतलब है हर एक को डोमेन की वैल्यू के लिए डोमेन की एक वैल्यू मिलनी चाहिए तो इसके लिए मैंने ये इक्वेशन निकाल लिया है पर जैसे कि हम देख रहे हैं वाई है वो कहाँ से है वाई है वो को डोमेन से है तो को डोमेन में से अगर हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे जैसे कि इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट वैल्यू फॉर माइनस टू या स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टू सो इफ यू से कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू है तो हमें एक्स के लिए ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टू दे जो कि पॉसिबल नहीं है दिस इज नॉट पॉसिबल दैट्स वाई दिस फंक्शन इज नॉट वन टू वन सॉरी ऑन टू फंक्शन ये ऑन टू फंक्शन नहीं है ओके ये ऑन टू फंक्शन नहीं है इफ़ यू वॉन्ट टू चेक फॉर सेकेंड फंक्शन लेट से तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन खत्म करते हैं लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड फंक्शन एफ़ टू ये भी क्या दिया हुआ है आर uh, से आर प्लस दिया हुआ है अब हमारा डोमेन और को डोमेन चेंज हो जा रहा है ध्यान रखेंगे डोमेन और को डोमेन पर काफ़ी सारा डिपेंडेंसी uh, है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर है अब लेट से ओके तो अब हम वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में से ले सकते हैं और आर प्लस में जानी चाहिए तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ माइनस टू इज इक्वस टू एफ ऑफ़ टू इज इक्वस टू फोर यानी कि बी हैज़ मैनी ए जैसे कि यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि बी कैनॉट हैव मैनी ए अगर बी की वैल्यू फोर है तो ए में उसके रिलेटेड ए की वैल्यू होनी चाहिए टू या माइनस टू पर यहाँ पर हमें दोनों वैल्यूज मिल रही है माइनस टू और टू दोनों के लिए इमेज सेम है फोर इट इज दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉट वन टू वन फंक्शन यानी कि ये वन टू वन फंक्शन नहीं है ओके okay, तो वन टू वन फंक्शन हम क्या करेंगे इसके लिए क्रॉस लगाएंगे दिस इज नॉट वन टू वन फंक्शन एंड कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टास्क हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है चेकिंग ऑन टू फंक्शन तो ऑन टू फंक्शन है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं उसकी इमेज देखते हैं कि आर प्लस की हर एक वैल्यू के लिए हमें आर में एक इमेज मिलनी चाहिए तो आर प्लस की हर एक वैल्यू के लिए आर में इमेज मिल जाएगी क्योंकि हमें इमेज के लिए क्या चाहिए एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वाई है तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई तो वाई क्या है वो आर प्लस है यानी हर एक आर प्लस हर एक पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल है अगर इन शॉर्ट में कहूँ यहाँ पे तो हर एक पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल है इसीलिए हमें हर एक एक्स की वैल्यू मिल जाएगी ठीक है और एवरी बी हैज सम ए कि जो हमारा क्लॉज है जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा फॉर स्क्वायर फंक्शन अगर यहाँ पे आर होता लास्ट फंक्शन में था तो नेगेटिव आर की वैल्यूज के लिए हमें स्क्वायर रूट नहीं मिल रहा था इसीलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं था फंक्शन वन ठीक है अब यहाँ पे आर प्लस हो चुका है तो आर प्लस का स्क्वायर रूट पॉसिबल है ये हमारा क्लॉज है कि अगर हम इमेज निकालनी है फॉर एवरी बी हमें अगर उसका डोमेन में से फंक्शन निकालना है या इन्हें एलिमेंट निकालना है तो एक्स इजिकॉस टू एंडर रूट वाई देखना है तो यहाँ पे अगर हम आर प्लस लिखेंगे वाई टू में तो हर एक आर प्लस के लिए एक्स की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज़ वाई दिस इज़ एन ऑन टू फंक्शन तो ऑन टू फंक्शन ये करेक्ट है सो दिस इज एन ऑन टू फंक्शन फाइन होप इट इज क्लियर लेट्स मूव ऑन टू अनदर अदर एग्जाम्पल सो ये एग्जाम्पल क्या कहता है गिव रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ पेलिंड्रोम ओवर एनी अल्फाबेट तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एक पेलिंड्रोम डिफाइन करेंगे लेट्स से लेट्स से डब्ल्यू एन इज अ स्ट्रिंग ओके डब्ल्यू एन एक स्ट्रिंग है ओवर आल्फाबेट ओके ओवर अ सेट ऑफ आल्फाबेट विथ लेंथ एन ओके अगर ये एक स्ट्रिंग है तो डब्ल्यू एन की रिकर्जिव डेफिनेशन कैसे लिखेंगे डब्ल्यू एन इज इक्वल्स टू ए डब्ल्यू एन माइनस टू और ए और दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है बी डब्ल्यू एन माइनस टू बी हमारे सेट ऑफ अल्फाबेट क्या है सेट ऑफ अल्फाबेट सिग्मा है उसके अंदर कौन कितने एलिमेंट्स हैं ए और बी दो एलिमेंट्स हैं ओके अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो आप अज्यूम कर सकते हैं जीरो और वन या ए और बी जनरली दो अल्फ़ाबेट रजूम की अज्यूम करने चाहिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट हमें दिए नहीं गए हैं कि कौन से अल्फाबेट है हमारे लैंग्वेजेज़ में तो ये हमारे रिकर्सिव स्टेप्स हैं ओके ये रिकर्सिव स्टेप है रिकर्सिव स्टेप यानी क्या हर एक जो पैलेंड्राम है उसका फर्स्ट और लास्ट अल्फ़ाबेट सेम होना चाहिए ठीक है पैलेंड्रॉम या सब पैलेंड्राम हर एक पैलेंड्रॉम के अंदर सब पैलेंड्राम्स होती हैं ठीक है और इसके अगर लेंथ हमें डिफाइन करनी पड़ेगी जैसे कि हमें रिकर्सिव स्टेप में पता है कि हम आप स्टॉपिंग कंडीशन रखते हैं तो ये हमारी स्टॉपिंग कंडीशन की तरह है हमें सिंगल लेंथ के पैलेंड्राम और ड्यूअल लेंथ की पैलेंड्रॉम डिफाइन करनी पड़ेगी वो क्या हो जाएगी बी बी ए, ए या फिर सिंगुलर बी और सिंगुलर ए ठीक है ये हमारे बेस केसेस हैं या स्टॉपिंग कंडीशन हैं ओके बेस केसेस और स्टॉपिंग कंडीशन किस तरीके से अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते ले हैं फॉर एग्जाम्पल ए बी ए इज़ ए पैलेंड्राम तो ए बी ए पैलेंड्राम क्रिएट कैसे हुई सबसे पहले ड्यूअल ए था राइट तो इसको हम क्रिएट कैसे करेंगे डब्ल्यू थ्री इज इक्वल्स टू ए डब्ल्यू वन ए हमने कौन सा स्टेप यूज़ किया अगर हम इसको रूल्स बना दें वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स तो हमने यहाँ पर रूल नंबर वन यूज़ किया ओके रूल नंबर वन हमने यूज़ किया और अगर हमें ए बी ए बनानी है तो डब्ल्यू वन की जगह हम क्या लिखेंगे रूल नंबर फाइव लिखेंगे यानी ए बी और ए सो रूल नंबर फाइव से हमारी क्या बन गई सेकेंड स्ट्रिंग बन गई सो बेसिकली अगर हमें रिकर्जिव डेफिनेशन किसी की भी डिफाइन करनी है लैंग्वेज की तो हम रूल्स डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे लिए है और रूल्स दो तरीके के होंगे जनरली रिकर्जिव स्टेप्स होंगे जो कि रिकर्जिवली फॉलो करने हैं आप उसको जनरलाइज़ करना पड़ेगा आपको उसको ठीक है कोई भी पैलिंड्रॉम होगी उसमें ए समथिंग ए और बी समथिंग बी यानी कि बीच में पैलिंड्रॉम की सब स्ट्रिंग हो सकती है वो आ सकता है ठीक है सो so, इस तरीके से आप वो डिफाइन कर सकते हैं बेसिकली राइट नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर एग्जाम्पल ये पैलिड्रॉम की रिकोर्जिट डेफिनेशन यहां पे खत्म हो रही है ओके तो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है कि प्रूव दैट रूट टू इज रैशनल बाय मैथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन तो हमें पता है कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होती है हम सबसे पहले उल्टा अज्यूम करते हैं कि जो हमें प्रूव करना है उससे तो हम यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे कि रूट टू इज़ बेसिकली रैशनल नंबर तो रैशनल इेशनल होता क्या है जैसे कि पाई है वो एक इरेशनल नंबर है पाई एक इरेशनल नंबर क्यों है क्योंकि हम उसको ऐसे टर्म्स में डिनोट नहीं कर सकते जैसे कि कोई भी दो इंटीजर हैं एम बाई एन हम पाई को इस टर्म्स में डिनोट या रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं यू माइट कॉन्ट्राडिकेटेड बाई सेंग कि हम ट्वेंटी टू बाई सेवन तो लिखते हैं आपको पाई ट्वेंटी टू बाई सेवन लिखते हैं पर वो एक्जैक्टली exactly पाई की वैल्यू नहीं होती है पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन जो होती है वो नियर बाई वैल्यू ऑफ पाई होती है पाई की एक्जैक्ट वैल्यू है वो थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन अप टू टोटल फिफ्टी डिजिट्स हैं पॉइंट के पीछे फिफ्टी डिजिट्स तक तो वो एक इेशनल नंबर है जिसको आप एम बाई एन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बेसिकली ठीक है तो यहां पर रूट टू मतलब क्या है हम रूट टू को भी एम बाई एन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं जहां पे एम और एन क्या है एक इंटीजर नंबर्स है इंटीजर टर्म्स हैं तो अभी यहां पर अज्यूम क्या करने वाले हैं मैथड ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शन है, है इसीलिए मैं क्या लिखूंगा लेट्स अज्यूम लेट्स अज्यूम रूट टू इज रैशनल मैंने क्या बोल दिया रूट टू है वो रैशनल नंबर है ऐसा अज्यूम कर रहे हैं हम ठीक है तो देर फोर रूट टू इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन वेर एम एन एन आर इंटीजर्स ओके एम और एन क्या है इंटीजर्स हैं तो इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो रूट टू स्क्वायर is equals to m by n square therefore 2 n square is equals to m square we will get the term 2 n square is equals to m square इसको बोल देते हैं equation 1 अब ध्यान से देखेंगे equation 1 में हमारे पास दो term है या दो integers है m और n अब उसके हिसाब से let's say if I tell this equation 2 ठीक है इसको मैं इक्वेशन टू बोलता हूं अब अगर इक्वेशन टू को ध्यान से देखेंगे तो हम इक्वेशन टू में एम और एन दोनों इवन नहीं हो सकते हैं क्यों नहीं हो सकते हैं छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे लेट से कोई भी दो टर्म्स है या कोई भी रेशियो है वो कुछ इस तरीके से है कि फोर्टी एट अपॉन हंड्रेड ओके तो फोर्टी एट अपॉन हंड्रेड को आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो वो कहाँ तक जाएगा लेट्स से फोर ट्वेंटी फाइव और फोर ट्वेल्व तो ट्वेल्व बाई ट्वेंटी फाइव तक जाएगा ठीक है और अगर सिमिलर दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं फोर्टी सिक्स अपॉन थर्टी फोर तो यहाँ पर क्या बचेगा ट्वेंटी थ्री अपॉन सेवनटीन तो जैसे ही आप कोई भी आ, रेशियो को सिम्प्लीफाई करते हैं तो लास्ट में दोनों टर्म ऑड होती हैं या कोई भी एक टर्म ऑड और, और एक टर्म इवन होती है जैसे कि हमारे फर्स्ट एग्जांपल में एक टर्म इवन है ट्वेल्व एक टर्म ऑड है ट्वेंटी फाइव और यहाँ पे क्या है दोनों टर्म्स ऑड हैं ठीक है तो उस तरीके से यहाँ पर भी हमें ऑड या इवन एज्यूम करना पड़ेगा पर हमें इतना पता है कि एम और एन दोनों ऑड नहीं होंगे तो हमारे पास केसेस कौन से हैं यहाँ पे मैं केसेस लिख रहा हूँ से केसेस। फर्स्ट केस क्या कहता है एम इज़ इवन एंड एन इज आल्सो इवन तो ये हमने पहले ही मना कर दिया है कि ये केस पॉसिबल नहीं है क्यों पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें पता है कि अगर रेशियो है तो उसमें दोनों टर्म इवन नहीं हो सकती हैं सेकेंड केस क्या है एम इज़ ऑड ओके और एन इज़ इवन तो इक्वेशन वन को ध्यान से देखेंगे एम ऑड नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि एन के साथ टू मल्टीप्लीकेशन में अकॉर्डिंग टू इक्वेशन टू दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल कि एम है वो ऑड है और एन है वो इवन है ये पॉसिबिलिटी इक्वेशन वन के हिसाब से मैं मिस्टेक वन के हिसाब से पॉसिबल नहीं है यहाँ पे उसका रेफरेंस ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वन ओके अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वन दिस इज नॉट पॉसिबल थर्ड चांस क्या है इवन इवन ऑड इवन अब ले लेते हैं एम एंड एन बोथ आर ऑड एम भी ऑड है और एन भी ऑड है ठीक है अगेन इक्वेशन वन के हिसाब से ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि m तो है वो इवन ही हो सकता है क्योंकि अगर m इवन है और m तो एम स्क्वायर भी इवन होगा और यहाँ पर टू मल्टीप्लीकेशन में है तो एम स्क्वायर वाला टर्म के साथ टू मल्टीप्लीकेशन में है, तो थियरम है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर है वो इवन है तो नंबर खुद भी ईवन होना चाहिए यू कैन ट्राई इट आउट योर सेल्फ कोई भी एक ऐसा स्क्वायर ले लीजिए जो ईवन है तो उसका स्क्वायर रूट भी ईवन ही होगा ओके okay? तो सिमिलरली एम ऑड है और एन ऑड है ये दोनों चीज़ें ऑड होना पॉसिबल नहीं है दोनों इवन होना भी पॉसिबल नहीं है और सेकेंड नंबर है वो इक्वेशन वन के हिसाब से पॉसिबल नहीं है तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बची है वो क्या है एम है वो इवन uh, है और एन है वो क्या होगा ऑड होगा ठीक है तो ये पॉसिबिलिटी भी हम चेक कर लेते हैं कि ये पॉसिबिलिटी किस हिसाब से होगी तो लेट्स अज्यूम एम इज़ इवन एंड एन इज ऑड तो मैं एम को क्या अज्यूम करूँगा एम इज इक्वल्स टू टू के एक टर्म ले रहा हूँ कि जो इवन है और एन इज इक्वल्स टू मैं क्या ले रहा हूँ टू एन प्लस वन और एन एन मैच हो जाएगा टू एल प्लस वन लेट से ओके तो मैं एन इज इक्वल टू क्या ले रहा हूं टू एल प्लस वन इसको इक्वेशन वन में रखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन वन ओके मैं इसको इक्वेशन वन में रखता हूँ इक्वेशन वन में प्लेस करने से टू इन टू एन की वैल्यू क्या है टू एल प्लस वन है जो कि ऑड नंबर के लिए जनरलाइज टर्म है और एम की वैल्यू क्या है टू के है ठीक तो है तो टू के का स्क्वायर करते हैं ये टू नहीं है माई मिस्टेक एम की वैल्यू है टू के जो कि मैंने यहाँ पे प्लेस की है एन की वैल्यू है टू एल प्लस वन जो कि मैंने यहाँ पे प्लेस की है ठीक है इसका स्क्वायर है एन टू एन स्क्वायर है हमारी इक्वेशन वन के हिसाब से टू एन स्क्वायर ठीक है तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो फोर एल स्क्वायर प्लस फोर एल प्लस वन इज इक्वल्स टू फोर के स्क्वायर ओके दोनों साइड टू कैंसिल आउट करते हैं दैर फोर फोर एल स्क्वायेर प्लस फोर एल प्लस वन इज इक्वल टू टू के स्क्वायर अगर इक्वे, इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो ये इवन टर्म है और ये ऑड टर्म है क्योंकि ये दोनों टर्म इवन है दो इवन टर्म्स में अगर आप वन ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली वो टर्म कौन सी आएगी ऑड आएगी तो ये टर्म ऑड हो गई ये टर्म इवन हो गई ओके okay? सो so, अगर इसको हम इक्वेशन थ्री बोलते हैं इक्वेशन uh, थ्री यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ओके इक्वेशन थ्री इज़ इसको कहते हैं एब्सर्डिटी ओके एब्सॉर्डिटी का मतलब क्या होता है कि वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमने ऊपर ही देखा हुआ है कि m है वो इवन है n है ऑड है अगर n ऑड है तो ये वाली टर्म ऑड और ये वाली इवन नहीं हो सकती इक्वेशन में वैल्यू प्लेस करने के बाद इस तरफ की टर्म ऑड या इस तरफ की इवन नहीं हो सकती दोनों इवन होनी चाहिए ओके okay. तो इक्वेशन थ्री है वो क्या है एब्सर्डिटी है एब्सर्डिटी का मतलब है वो कोई भी तरीके से पॉसिबल नहीं है ठीक है ट इज प्रूव हैं सेट इज प्रूव दैट देर कैनोट एग्जिस्ट देर कैनोट एग्जिस्ट सच एम एंड एन ओके सो फाइनली हम लिख सकते हैं सेट इज रूट टू इेशनल ओके ये हमने कैसे प्रूव किया कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव किया राइट सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल, ओके सो नाउ लेट्स डिस्कस एग्जांपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है बेसिकली हमने सीख लिया जो हम एग्जाम्पल के थ्रू वापस रिपीट करेंगे या रिवाइज करेंगे ठीक है सो मैथमेटिकल इंडक्शन में तीन स्टेप होते हैं बेसिस स्टेप इंडक्शन हाइपोथेसिस और इंडक्शन स्टेप तो हम बेसिस स्टेप से इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे जैसे कि बेसिस स्टेप में क्या करते हैं हम या जीरो या वन कोई एक बेसिक नंबर ले लेते हैं उसके लिए ये प्रूव करते हैं कि गिवन इक्वेशन है वो ट्रू है हमें प्रूव क्या करना है कि अगर हम कोई नंबर है लट uh, से वन से ले लेके एन तक उसका समेशन करते हैं उसके स्क्वायर का समेशन करते हैं तो वो इस फार्मूला से रिप्रेजेंट होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू तो एन प्लस वन बाई सिक्स यानी कि लेट्स से आप वन से ले के सिक्स तक के नंबर के स्क्वायर्स का समेशन करते हैं तो यहाँ पे सिक्स रखने से आपको उन सब का समेशन ये फार्मूला से मिल जाएगा ठीक है सो बेसिस हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्वेशन गिवन इक्वेशन है वो ट्रू है तो मैं बेसिस स्टेप में क्या करूँगा कि मैं ज़ीरो के लिए प्रूव करूँगा फॉर एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो ओके फॉर एन इज इक्वल टू ज़ीरो हमें उसका समेशन पता है कि सिग्मा आई स्क्वायर आई इज इक्वल टू जीरो से लेके जीरो तक ज़ीरो का स्क्वायर क्या होगा जीरो होगा सो अकॉर्डिंग टू एल एच एस ये ट्रू है ओके okay, ये हमने एल एच एस प्रूव किया और आर एच एस क्या कहता है आर एच एस है वो इक्वेशन है जस्ट अ सेकेंड तो आर एच एस में बेसिकली हम क्या करेंगे इस फार्मूला से दिखाएंगे कि समेशन है वो जीरो है तो एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन में क्या करना है ज़ीरो इंटू जीरो प्लस वन इंटू टू ऑफ जीरो प्लस वन अपॉन सिक्स तो ऑबियस है बहुत दिख रहा है कि इज इज जीरो तो हम क्या कह सकते हैं बेसिकली एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस इन बेजिस स्टेप तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था जो कि हमारा बेजिस स्टेप था वो खत्म हो चुका है दैट वी हैव प्रूव्ड दैट इट इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू बेजिस स्टेप अब हम हमारे दूसरे स्टेप में आ जाते हैं दूसरा स्टेप क्या है इंडक्शन हाइपोथेसिस इंडक्शन हाइपोथेसिस कोई भी मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रॉब्लम है वो किस तरीके से अप्रोच करेंगे आप यही स्टेप में अप्रोच करेंगे एक बेसिस स्टेप होगा आपका जो एन एजक्वस टू जीरो एन एजक्वस टू वन के लिए आप इजीली प्रूव कर सकते हैं फ्रॉम गिवन इक्वेशन फिर आप इंडक्शन हाइपोथेसिस में जाएंगे इंडक्शन हाइपोथेसिस में हम एज्यूम करते हैं लेट्स एज्यूम फॉर गिवन इक्वेशन वेर एन इज इक्वल टू के एन इज इक्व के लिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ट्रू है एन इज इक्वल्स टू वेर एन इज इक्वल टू के दैट गिवन इक्वेशन इज ट्रू ओके ये ट्रू है ऐसा हम एज्यूम करते हैं अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये ट्रू है तो सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो से लेके के K तक आई स्क्वायर है वो क्या होगा वन स्क्वायर प्लस सॉरी ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले ज़ीरो लेंगे इज इक्वल्स टू ज़ीरो स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर ओके प्लस टू स्क्वायर अप टू के स्क्वायर ठीक है इसका इक्वेशन हम किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं के इन टू के प्लस वन और टू के प्लस वन अपॉन सिक्स की जो हमें दिया हुआ है इसको हम इक्वेशन नंबर वन कहेंगे ठीक है ये हमें ऑलरेडी दिया गया है कहाँ पे क्वेश्चन में तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ये के के लिए सही है पहले हम बेसिक स्टेप में क्या करते हैं उसको एनएच इक्वल टू जीरो एम वन के लिए दिखा देते हैं कि एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस है फिर हम कोई एक वेरिएबल के लेते हैं उसके लिए अज्यूम करते हैं कि दैट इज ट्रू फाइन मूविंग फॉरवर्ड हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा जस्ट सेकेंड ओके तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा थर्ड और फाइनल स्टेप क्या है इंडक्शन स्टेप है तो इंडक्शन स्टेप में हम क्या करते हैं हम फॉर एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन सो वी हैव टू प्रूव दाइपोथैसिस फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन टॉम ओके हमें के प्लस वन के लिए प्रूव करना है तो मैं क्या करता हूँ एल एच एस से स्टार्ट करता हूँ एल एच एस इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो से लेके के प्लस वन आई स्क्वायर तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा जीरो स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस अप टू कोई के टर्म का स्क्वायर है और के प्लस वन टर्म का स्क्वायर है हमें के प्लस वंथ के लिए प्रूव करना है तो जीरो से लेके के तक का समेशन ऑलरेडी हमारे पास है इन इक्वेशन वन जैसे कि हमने यहाँ पे शो किया हुआ है तो हम इसको इक्वेशन वन के हिसाब से लिख लेंगे इक्वेशन वन के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं के के प्लस वन इंटू टू के प्लस वन अपॉन सिक्स प्लस k plus वन होल स्क्वायर ओके फ्रॉम equation 1 हमने इसका समेशन नीचे लिख दिया है क्लियर है अब हम क्या करेंगे इन दोनों को सिंपलीफाई करेंगे इन दोनों को सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं k plus वन कॉमन निकाल सकते हैं तो अगर हम k plus वन कॉमन निकालते हैं तो k plus वन बचेगा और k into टू टू के प्लस वन बचेगा राइट मूविंग फॉर्दर k plus वन सिंप्लीफाई करते हैं सिक्स के प्लस सिक्स प्लस टू के स्क्वायर प्लस के ओके अपॉन सिक्स अगर फर्दर मूव करें तो के प्लस वन अपॉन सिक्स बाहर ले लेते हैं इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं टू के स्क्वायर प्लस सेवन के प्लस सिक्स ठीक है अब इसको हम फर्दर uh, फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे आई होप यू नो द फैक्टराइजेशन इसको फर्दर फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं तो हमें करना क्या है बेसिकली हमें टू इंटू सिक्स ट्वेल्व के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें यहाँ पे सेवन मिले तो हमें पता है फोर इंटू थ्री ऐसे ट्वेल्व के फैक्टर्स हैं कि जिसका समेशन आए वो क्या है सेवन आए और मल्टीप्लिकेशन क्या है ट्वेल्व आए तो मैं इसको इस तरीके से लिखूँगा टू के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस थ्री के प्लस सिक्स ये फैक्टराइजेशन आई होप क्लियर है क्योंकि मे बहुत बेसिक मैथेमेटिक्स है इसके डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ के प्लस वन अपॉइंट सिक्स इन दोनों में से टू के कॉमन निकालते हैं तो के प्लस टू बचेगा यहाँ से थ्री कॉमन निकालते हैं के प्लस टू बचेगा यकीन तो हमारे पास हमारी दो टर्म रेडी हैं कि के प्लस वन फिर के प्लस टू और टू के प्लस थ्री अपॉन सिक्स ये हमारी आर एच एस है एक्चुअल आर एच एस के फॉर्म में नहीं है पर ये हमारी आर एच एस है कैसे मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ जैसे कि आर एच एस क्या है एन एल एच एस क्या है एन इन टू एन प्लस वन और टू एन प्लस वन बाई सिक्स के फॉर्म में होना चाहिए अगर हमारी टर्म के प्लस वन है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एन की जगह पर के प्लस वन है तो K 1 वैसे के प्लस वन वैसे की वैसी रहेगी के प्लस वन के प्लस टू को हम कैसे लिखेंगे के प्लस वन हमारी टर्म है और प्लस वन है जैसे कि आप देख सकते हैं ठीक है और इसको टू के प्लस थ्री को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आगे टू लगा देंगे टू ऑफ के प्लस वन और होल टर्म प्लस वन ठीक है कि जो हमारी आर एच एस में है तो अगर आप इन दोनों को अच्छे से देखेंगे तो ये के प्लस वंथ टर्म के लिए ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि इक्वेशन के जो फॉर्म में हमें लाना था वो हम ला चुके हैं सो दिस इज आर एच एस फाइन सो हैंस जस्ट अ सेकेंड आई होप दिस इज विजिबल या हैंस एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस सो Given hypothesis is proved using mathematical induction. I hope it is clear. Fine. इसके हमें सिर्फ तीन स्टेप याद रखने हैं तीन स्टेप क्या है हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं बेसिस स्टेप से स्टार्ट करते हैं जहाँ एन एज इक्वस टू जीरो एन एज इक्व टू वन के लिए प्रूव करते हैं ये हमारा इक्वेशन है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा था बेसिकली तो हमने जीरो के लिए प्रूव किया कि एन एज इक्व टू जीरो के लिए उसका समेशन जीरो है फिर इंडक्शन हाइपोथेसिस है इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या होता है हम वहाँ पर कोई एक इंटीजियर के, के लिए इसको ट्रू मान लेते हैं अज्यूम करते हैं और फाइनली हम क्या करते हैं उसको कोई भी एक इंटीजर एन इजिक्वल्स टू के प्लस वन के लिए प्रूव करते हैं एल एच एस इजिक्वल्स टू आर एच एस जहाँ पर हम यूज़ करेंगे के वाले इक्वेशन का जो एन इजिक्वल्स टू के लिए हमने अज्यूम किया है तो इंडक्शन स्टेप में हम क्या यूज़ करेंगे जनरली हमारा जो इंडक्शन हाइपोथेसिस है विल ऑलवेज बी यूज ओके विल ऑलवेज बी यूज्ड टू प्रूव हम इसको प्रूव करने के लिए हमेशा यूज़ करेंगे इंडक्शन स्टेप में ठीक है सो so, ये उसके बेसिक टर्मिनोलॉजी है या स्टेप है सी अनदर ओके तो हमारा अगला एग्जाम्पल क्या कहता है शो दैट फॉर फंक्शन एन एन का फंक्शन है एन रेस टू फोर माइनस फोर एन स्क्वायर इज डिविजिबल बाई थ्री फॉर आल गैन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हमें ये किससे प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है अगेन इसमें हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए एक तो इक्वेशन होना चाहिए और इक्वेशन से रिलेटेड हमारे पास जो जनरल सेंटेंस है वो होना चाहिए कि इट इज़ डिविजिबल बाई थ्री डिविजिबल बाई थ्री हमारा जनरल सेंटेंस है आई होप इट इज विजिबल डिविजिबल डिविजल बाई थ्री हमारा जनरल सेंटेंस है और ये हमारा इक्वेशन है ठीक है तो हमें ये प्रूव करना है कि आ, एन रेस टू तो फोर माइनस फोर एन स्क्वायर है वो कोई भी एन के लिए सुफिशेंट है बताने के लिए कि वो थ्री से डिविजिबल है कि नहीं ठीक है सो हमारे तीन जो स्टेप हैं वो वन बाई वन स्टार्ट करते हैं सबसे पहला स्टेप है बेजिस स्टेप ओके बेजिस स्टेप में हम क्या करते हैं एज्यूम करते हैं कि फॉर एन इज इक्वल टू जीरो फॉर एन इज इक्वल टू जीरो एफ एन की वैल्यू क्या होगी जीरो रेज टू फोर माइनस फोर जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो विच इज डिविजिबल बाय थ्री ओके okay, तो हमने अकॉर्डिंग टू बेसिक स्टेप ये प्रूव कर दिया है कि ये थ्री से डिविजिबल है अब हमारा अब दूसरा काम क्या है कि हम अकॉर्डिंग टू इंडक्शन हाइपोथेसिस ओके इंडक्शन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हम इसको अज्यूम करेंगे कि फॉर एन इज इक्वल टू के तो फॉर एन इज इक्वल टू के अज्यूम एफ ऑफ एन इक्वल टू k रेस टू फोर माइनस फोर के स्क्वायर इज डिविजिबल बाई हम अज्यूम करते हैं कि ये 3 से ऑलरेडी डिविजिबल है और अब हमारा लास्ट और फाइनल स्टेप हमारा फाइनल स्टेप क्या है दैट इज इंडक्शन स्टेप है इंडक्शन स्टेप में क्या करते हैं फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन हम प्रूव करते हैं तो थर्ड स्टेप यहीं से स्टार्ट कर देता हूं ओके इंडक्शन स्टेप

तो फर्दर हम क्या कर रहे हैं एल में ध्यान से देखिएगा मैं एल में क्या चेंजेस कर रहा हूँ एल एच एस के प्लस वन रेस टू फोर माइनस फोर इंटू के प्लस वन स्क्वायर माइनस के रेस टू फोर प्लस फोर के स्क्वायर अब ये कौन से टर्म है ये है एफ ऑफ के वाली टर्म ठीक है सो so, अगर कोई टर्म एफ ऑफ के प्लस वन एफ ऑफ के प्लस वन का टर्म है मैंने माइनस क्या किया है एफ ऑफ के किया है सो अगर कोई टर्म एफ ऑफ के प्लस वन है वो थ्री से डिविजिबल है जो भी थ्री से डिविजिबल है तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि पूरी टर्म है वो थ्री से डिविजिबल है तो मैं ये प्रूव करने के लिए ले रहा हूं कि पूरी टर्म थ्री से डिविजिबल है ये दोनों थ्री से डिविजिबल है इसीलिए इसका सब्रैक्शन भी थ्री से डिविजिबल है सो मूविंग फॉर्दर मैं क्या करता हूँ इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन ये क्या है प्लस वन स्क्वायर है और ये भी क्या है के प्लस वन स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन ठीक है तो के प्लस वन स्क्वायर इंटू के प्लस वन स्क्वायर ये दोनों मिलके बनेंगे भरेंगे के प्लस वन रेस टू फोर अब माइनस फोर इंटू के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन क्योंकि ये भी के प्लस वन स्क्वायर है इसका मैंने एक्सपांशन किया हुआ है यहाँ पे एंड माइनस के रेस टू फोर प्लस फोर के स्क्वायर आगे इसको फर्दर सब्स्टिट्यूट करते हैं के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर के रेस टू फोर प्लस टू के क्यूब आई होप आपको इनका मल्टीप्लिकेशन आता है थ्री टर्म्स और थ्री टर्म्स इनका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है हर एक टर्म का मल्टीप्लिकेशन है वो तीनों से होगा के स्क्वायर का तीनों से टू के का तीनों से और वन का तीनों से मल्टीप्लिकेशन होगा सो के टू के क्यूब प्लस के स्क्वायर अब टू के का मल्टीप्लिकेशन करते हैं टू के क्यूब प्लस फोर के स्क्वायर प्लस टू के और लास्ट थ्री टर्म्स के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन फाइन सो हमारा ये इन दो का एक्सपांशन हमने नीचे किया हुआ है क्लियर है अब बाकी के टर्म वैसे के वैसे लिख लेते हैं माइनस फोर के स्क्वायर फोर को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस एट के माइनस फोर माइनस के रेस टू फोर प्लस फोर के स्क्वायर फाइन अगर आप इन सब का सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की टर्म मिलेगी फोर के क्यूब क्यूब वाली फोर टर्म्स मिलेंगी प्लस सिक्स के स्क्वायर स्क्वायर वाली सिक्स टर्म मिलेंगी माइनस फोर के और माइनस थ्री ओके आपको इस तरीके का सिंप्लीफिकेशन मिलेगा अब आगे फोर के फोर के वाली टर्म मिक्स कर लेते हैं फोर के क्यूब माइनस फोर के प्लस सिक्स के स्क्वायर माइनस थ्री अब ये तो टोटली totally विजिबल है कि ये थ्री से डिविजिबल टर्म है ये दोनों अगर ये दोनों टर्म भी थ्री से डिविजिबल हैं तो हम प्रूव कर सकते हैं कि पूरा टर्म थ्री से डिविजिबल है तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूव हो जाएगा ठीक है तो इसमें से फोर के कॉमन निकालते हैं के स्क्वायर माइनस वन बचता है प्लस सिक्स के स्क्वायर माइनस थ्री इस इक्वस टू फोर के के प्लस वन के स्क्वायर का मैं आ, सब फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ के प्लस वन और के माइनस वन में प्लस सिक्स के स्क्वायर माइनस थ्री ध्यान से देखिए के प्लस वन के दो फैक्टर हैं के प्लस वन और के माइनस वन आई होप यू नो इट अब इनको ध्यान से देखना है ठीक है ये तीनों क्या हैं सिक्वेंशियल टर्म्स है ये तीनों हैं सिक्वेंशियल टर्म्स अब जब कोई भी तीन सिक्वेंशियल टर्म्स हैं मल्टीप्लीकेशन में सिक्वेंशियल टर्म्स थ्री सिक्वेंशियल टर्म्स इन मल्टीप्लीकेशन ओके सो जब भी तीन सिक्वेंशियल टर्म है मल्टीप्लीकेशन में देन दैट इज आई होप दिस इज विजिबल जस्ट अ सेकेंड डिविजिबल बाई थ्री ठीक है एग्जाम्पल लेना है तो आप कोई भी तीन एग्जाम्पल ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आप थर्टीन इंटू फोर्टीन इंटू फिफ्टीन करेंगे तो इनमें से एक टर्म फिफ्टीन है वो थ्री से मल्टीप्लाई अप्प्लाई कर सकते हैं वो एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे ट्वेंटी वन इंटू ट्वेंटी टू इंटू ट्वेंटी थ्री तो इनमें से ट्वेंटी वन टर्म को आप थ्री से डिवाइड कर सकते हैं तो ये जो सारी टर्म आप सिक्वेंट लेंगे एन इंटू एन प्लस वन और एन टू एन प्लस टू इनमें से कोई ना कोई एक टर्म ऐसी होगी जो कि डिविजिबल बाई थ्री है जिनका थ्री से अगर आप डिवीजन करते हैं तो जीरो आता है ये मॉड्यूल ऑपरेशन है हमें पता है कि जब भी अगर हम ऐसा कुछ करते हैं जैसे कि एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू उसका मॉड्यूल ऑपरेशन करते हैं थ्री से तो आंसर आता है जीरो ठीक है मॉड्यूल ऑपरेशन वाला सिंपल लिखा हुआ है मैंने तो ये तीन से क्वेश्चन टर्म मल्टीप्लीकेशन में है जो थ्री से डिविजिबल है तो ये टर्म भी हमारी थ्री से डिविजिबल है तो ये तो ऑब्वियस दिख ही रहा है कि अगर हम थ्री निकाल रहे हैं तो क्या बचेगा टू के स्क्वायर माइनस वन बचेगा तो ये भी थ्री से डिविजिबल है दोनों टर्म थ्री से डिविजिबल है इसीलिए जो होल हमारा आ, टर्म है अबाउट टर्म अबोव टर्म इज डिविजिबल बाय थ्री हेंवल टू आर एच एस इसीलिए मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू इंप्रूव हो चुका है कि जो गिवन हमारा इंडक्शन हाइपोथेसिस हमनेटिकली सोचा हुआ है कि एन रेस टू फोर माइनस फोर एन स्क्वायर है वो ऐसा फंक्शन है कि जो थ्री से डिविजिबल है वो ट्रू है ओके सो आई होप यू यूरस्टेंड तो हमारा नेक्स्ट मैथमेटिकल इंडक्शन रिलेटेड एग्जाम्पल क्या कहता है कि प्रूव यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन दैट एन इन टू एन स्क्वायर प्लस फाइव इज डिविजिबल बाई सिक्स फॉर एवरी एन ग्रेटर देन जीरो अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो आपको करना है कि फॉर एवरी एन ग्रेटर दैन जीरो हमारा फंक्शन बेसिकली क्या है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन इंटू एन स्क्वायर प्लस फाइव तो जैसे कि हमें पता है मैथमेटिकल इंडक्शन में तीन स्टेप होते हैं सबसे पहले स्टेप से चालू करते हैं बेसिक स्टेप ओके तो हमारा बेसिक स्टेप है वो क्या कहता है कि फोर एन इज इक्वल टू ज़ीरो फोर एन इज इक्वल टू ज़ीरो एल एच एस क्या है कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू ज़ीरो इंटू जीरो स्क्वायर प्लस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो और आर एच एस में पता है कि जीरो इज डिविजिबल बाय सिक्स इज डिविजिबल बाय सिक्स और आर एच एस हमें पता है दैट टर्म जीरो इज डिविजिबल बाय सिक्स ओके दिखने में बहुत ही ऑब्वियस लग रहा है बट लिखना जरूरी है कि एल एच एस है वो फंक्शन है आर एच एस हम चेक कर रहे हैं मैन्युअली कि सिक्स से डिविजिबल है कि नहीं तो ये हमें पता है सेकेंड स्टेप क्या होता है इंडक्शन हाइपोथेसिस तो लिखते हैं इंडक्शन हाइपोथेसिस इंडक्शन हाइपोथेसिस में क्या होगा हम के के लिए अज्यूम करेंगे तो फॉर एन इक्वल टू के इज इक्वल टू के इन टू के स्क्वेर प्लस फाइव इज डिविजिबल बाई सिक्स ओके हम अज्यूम कर रहे हैं कि फॉर एन इज इक्वल टू के दैट इज दैट टर्म इज डिविजिबल बाय सिक्स ओके मूविंग फॉरवर्ड हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इंडक्शन स्टेप इसे स्टार्ट करते हैं ओके इंडक्शन स्टेप इंडक्शन स्टेप में हम क्या करते हैं फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूव करते हैं राइट यूजिंग इक्वेशन वन अगर हम इसको इक्वेशन वन कह दें तो इक्वेशन वन का यूज करके हम प्रूव करते हैं तो फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन एफ ऑफ के प्लस वन क्या होगा के प्लस वन ब्रैकेट में के प्लस वन होल स्क्वायर प्लस फाइव क्लियर है इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं फोर एफ ऑफ के प्लस वन इज इक्वल टू के प्लस वन और ब्रैकेट में इसका सिंप्लीफिकेशन लिख देते हैं

ये हमारा टर्म टर्म है पूरी ठीक है इसको और इक्वेशन मन को कंपेयर करते हैं इन दोनों में से हमें कौन से टर्म चाहिए के क्यूब प्लस फाइव के तो के क्यूब प्लस फाइव के को अलग निकाल लेंगे क्योंकि हमें पता है कि ये डिविजिबल है बाकी बचा क्या थ्री के स्क्वायर बचा इसमें से फाइव के हमने ले लिया है तो थ्री के बचा हुआ है प्लस सिक्स क्लियर है थ्री के स्क्वायर प्लस थ्री के प्लस सिक्स तो ये बचा हुआ है आगे बढ़ते हैं I hope it is visible now. Yeah. Just a second. Yes. Fine. तो दो terms के लिए डिसाइड करना है इस term को similar रखता हूँ जो है वैसा ही के क्यू plus फाइव के प्लस इसमें से थ्री के कॉमन निकाल लेता हूँ k plus वन plus सिक्स इन दो terms में से ठीक है अब ये सिक्स से divisible है Term 3. ये अगर term 1 बोले तो ये भी 6 से divisible है टर्म टू सिक्स से कैसे डिविजिबल है वो हमें पता होना चाहिए इसका एक्सप्लेनेशन आप लिखते हैं तो अच्छा रहेगा एग्जाम में मैं अप्रोचिंग दिस थियोटिकली मैथमेटिकली आपको मैं सिखा रहा हूँ कि थ्री इंटू के इंटू के प्लस वन तो अगर ये ऑड नंबर है तो ये इवन हो जाएगा अगर ये इवन नंबर है तो ये ऑड नंबर हो जाएगा ठीक है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बेसिकली इवन होगा तो इवन नंबर को अगर हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑब्वियसली वो सिक्स से डिविजिबल होगा ही राइट कहीं ना कहीं उसमें टू आ रहा होगा इसका मतलब है वो सिक्स से डिविजिबल है ठीक है ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है इसीलिए पूरा टर्म है वो सिक्स से डिविजिबल है तो अगर ये तीनों टर्म सिक्स से डिविजिबल है इसीलिए हम लिख सकते हैं कि वो सिक्स से डिविजिबल है फाइन हैं ओके प्रूव यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन तीन स्टेप लिए हैं और प्रूव किया है कि वो सिक्स डिविजिबल है फाइन मूविंग फॉरवर्ड ओके तो आगे का एग्जाम्पल देखते हैं गिव डेफिनेशन रिकर्सिव डेफिनेशन वाला एग्जाम्पल है फाइन एग्जाम्पल क्या कहता है ज द डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग सेट द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय टू और सेवन तो ऐसे इंटीजर्स की डेफिनेशन देनी है रिकर्जिव अगेन रिकर्जिव यानी रिकर्जन आपको सिखा हुआ है प्रोग्रामिंग uh, कंसेप्ट में उसकी तरह होगी तो हमें ऐसी रिकर्जिव डेफिनेशन देनी है जो टू और सेवन से डिविजल सारे इंटीजर्स हमें दे दें और द सेट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग कंटेनिंग सब स्ट्रिंग जीरो जीरो ऐसे सारे स्ट्रिंग्स हमें चाहिए जिसमें जीरो जीरो सब स्ट्रिंग है तो सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं ओके okay. फर्स्ट में भी टू के लिए लिखते हैं इफ Uh, xn is an integer greater than 0 that is divisible by 2 then it can be represented As, Xn is equals to x of n minus one plus two यानी yani, कोई भी two से divisible नंबर कैसे बनेगा एक तो फर्स्ट रूल ये है और दूसरा रूल क्या होगा कि x one या फिर x zero वो क्या होना चाहिए ज़ीरो से स्टार्ट होना चाहिए ठीक है यानी yani, कोई भी पॉजिटिव नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग these टू रूल्स राइट दिस कैन बी जीरो और टू डिपेंडिंग ऑन कि आपको जीरो इंक्लूड करना है कि नहीं करना है अगर आपको जीरो इंक्लूड करना है तो एक्स वन जीरो रख सकते हैं अगर आपको जीरो इंक्लूड नहीं करना है तो एक्स वन टू रख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे हुए हैं इसलिए अगर आप जीरो इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं तो आपका पहला टर्म टू भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है इन दोनों में से कोई भी एक लिखेंगे ये रूल्स हैं रिकर्सिव डेफिनेशन फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स डिजिबल बाय टू ओके नेक्स्ट लिखेंगे पॉजिट इज इंटीज डिविजिबल बाय सेवन ओके इसका भी सिमिलर ही आंसर होगा कि एक्सएन अगर सेवन से डिविजिबल है तो एक्स एन माइनस वन और उसमें कितना डिफरेंस होगा सेवन का डिफरेंस होगा और सबसे पहली टर्म कौन सी होगी अगर आपको जीरो इंक्लूड करना है तो जीरो रख सकते हैं अदरवाइज आप सेवन रखते हैं ठीक है तो ये दो हमारी रिकर्सिव डेफिनेशन हो गई फॉर द सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय टू और सेवन तो अगर आपको कोई भी और नंबर के लिए पूछें तो कैसे लिख सकते हैं आप समझ रहे हैं एक्स एन माइनस वन प्लस दैट नंबर ठीक है कोई भी एन नंबर से डिविजिबल है कि नहीं वो चेक करने के लिए आप इस तरीके से उसका रिकर्सिव डेफिनेशन लिख सकते हैं फाइन ओके okay, तो एग्जाम्पल टू क्या कह रहा है सेट ऑफ ऑल सबस्ट्रिंग्स कंटेनिंग सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग सबस्ट्रिंग जीरो जीरो तो एग्जाम्पल टू देखते हैं इसके लिए रिकॉर्ड डेफिनेशन क्या लिखेंगे लेट्स से इफ डब्ल्यू एन इज अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एन हैविंग ए एज अ सबस्ट्रिंग अगर ये कंडीशन है तो इसकी रिकर्सिव uh, डेफिनेशन क्या होगी एक्स एन इज इक्वल्स टू सॉरी डब्ल्यू एन है डब्ल्यू एन यूज करेंगे तो डब्ल्यू एन प्लस वन डब्ल्यू एन ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें ए ए सबस्ट्रिंग है तो हम क्या करेंगे ए इंटू डब्ल्यू एन यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी ए ए सब स्ट्रिंग है इसके अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं डब्ल्यू एन इन टू ए यूज़ कर सकते हैं इसका मतलब है ये सारे रूल्स हैं डब्ल्यू एन प्लस वन के लिए है, ठीक है इक्वल Equ टू करता जा रहा है उसका मतलब है फिर अगेन बी डॉट डब्ल्यू एन कर सकते हैं बी ऐड कर सकते हैं आगे या फिर बी पीछे ऐड कर सकते हैं तो ये चार डब्ल्यू एन के रूल्स हैं स्टॉपिंग कंडीशन लिखनी है हमें तो क्या करेंगे दो लेंथ की एक स्ट्रिंग कौन सी सिंपल रख सकते हैं ए ये भी अलाउड है ठीक है तो हमारे रूल्स बन गए वन टू थ्री फोर एंड फाइव सो देर आर फाइव रूल्स फॉर स्ट्रिंग हैविंग ंग ए okay? और ज़ीरो ज़ीरो ओके डोंट कन्फ्यूज़ इट जीरो जीरो और ए सबका मतलब सेम ही होता है क्योंकि अगर ज़ीरो ज़ीरो है तो इसमें अल्फ़ाबेट्स क्या है ज़ीरो और वन है दो अल्फ़ाबेट्स इस डेफिनेशन में अल्फ़ाबेट्स क्या हैं ए और बी दो अल्फ़ाबेट्स हैं ठीक है तो कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे बेसिकली सेम ही है हमारा काम है रिकर्जिव डेफिनेशन सीखना रिकर्जन में जैसे कोई एक रिकर्जिव स्टेप होता है तो हमारा रिकर्जिव स्टेप कौन सा है ये वाला हमारा रिकर्जिव स्टेप है और ये हमारी स्टॉपिंग कंडीशन है ओके इफ यू राइट इट डाउन रिकॉज यू स्टेप और ये हमारी स्टॉपिंग कंडीशन है क्लियर है सो फाइन चैप्टर वन के एग्जाम्पल यहां तक रखते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर विल सी द एग्जाम्पल्स ऑफ चैप्टर टू ओके होप यू अंडर स्टूडेंट गुड डे